कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बहुत आसान सी रेसिपी लेके आए हैं, फ्राई मसालेदार फिश, जो बहुत इजी और आसान है। सर्दियों में, गर्मियों में हर घर में शौक से खाई जाती है। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास 2 kg के करीब फ्रेश फिश है, तो उसके मुताबिक मैंने ये होममेड मसाले लिए हैं, जिसमें अजवाइन है 1 teaspoon के करीब, और 1 tablespoon के करीब मैंने लिया है सॉल्ट, और 2 teaspoon के करीब लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 tablespoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और 2 tablespoon जो मैंने लिया है चावल का आटा, और ये मिक्स मसाला है मेरे पास 2 teaspoon के करीब, और 1/2 teaspoon जो मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 4 tablespoon के करीब मेरे पास योगर्ट है फ्रेश। अगर आपके पास राइस चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। चावल के आटे के साथ ना बैंडिंग बहुत अच्छी बनती है इनकी, फिश की, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी रेमेडी आपसे शेयर की है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो 2 kg के करीब हमारे पास फिश थी उसे मैंने सॉल्ट और वेनेगर डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था, और वॉश करके अब मैंने यहाँ रख दी है। अब हम इसका अमेजा तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने योगर्ट डालनी है, जो मेरे पास 4 tablespoon के करीब है। उसके बाद मैंने 2 tablespoon के करीब राइस आटा, फिर मैंने 1/2 teaspoon के करीब थी हल्दी पाउडर, और 1 tablespoon के करीब है मैंने रेड चिली पाउडर, और 1 tablespoon के करीब मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास मिक्स मसाला है, जिसमें मिक्स मसाला पिसा हुआ सिनेमन पाउडर है, धनिया पाउडर है, और जीरा पाउडर ये मैंने डाल दिया है। अब मेरे पास ये 1 1/2 tablespoon के करीब है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये 1 teaspoon के करीब मेरे पास है अजवैन। अजवैन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने ये लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा बना है, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। आप अपने जो है फिश की बॉन्डिंग अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह मसाला जो है इसके अंदर जज़ब हो जाए, तो बहुत अच्छी रेसिपी है। फिश मसाला भी मिलता है बाहर से मुख्तलिफ ब्रांड्स का, लेकिन मसाले सारे बेसिक वही घर वाले होते हैं, सिर्फ उसमें अजवाइन डाली हुई होती है। अक्सर फैमिलियों में यह कन्फ्यूजन होता है कि फिश मसाले सही अच्छी बनेगी, जो बाहर ढाबे वाले हैं या शॉप मछली फरोश हैं वो तकरीबन यही रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने जितनी 2 kg के करीब फिश है वो मैंने अच्छी तरह इसमें मसाले के अंदर लगा के 2 घंटे के लिए रख देनी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप रात को भी लगा के रख सकते हैं, और सुबह इसे फ्राई कर लें तो बहुत अच्छी बनती है। मैंने अपनी तरीका शेयर किया आपसे, बहुत तरीके से फिश बनती है, सिंपल भी बनती है, बाज़ लोग बेसन भी लगाते हैं, तो बेसन से यह है कि जो वो एक तह सी ऊपर जम जाती है, तो उससे फ्लेवर जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। पहले मैं वैसे ही बनाती थी, लेकिन ये चावल के आटे से बहुत अच्छी बनती है, आप जरूर ट्राई करना। चावल क्या है, चावल खुश्क लेके आप इन्हें पीस लें, चॉपर में पीस लें, वो आटा बन जाएगा, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये देखिए, मैंने अब ये सारी फिश को है ना अच्छी तरह अंदर से बाहर से लगा दिया, और 2 घंटे के लिए इसे रैप करके रख दूंगी, ताकि जो हमारा मसाला है अच्छी तरह ऐड हो जाए। अगर जो आप स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आपने 2 tablespoon के करीब आप रेड चिली ले सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली तकरीबन मीडियम ही खाती है, ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ही ज़्यादा फीका, जो टेस्ट भी अच्छा आए। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसे तकरीबन जितने भी हमारे पास सारे मसाले थे वो अच्छी तरह लग चुके हैं, ये
और इसके साथ हमने ब्राउन राइस इस्तेमाल करने हैं। ब्राउन राइस जो है वो भी मैंने अभी बनाने हैं इसके साथ, तकरीबन आधा किलो के करीब, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी उनकी भी रेसिपी। ये देखें, ये मैंने अभी इनको सबको अच्छी तरह मसाला अंदर बाहर से लगा दिया है। रैप अब हमने लगा लिया। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आपको प्लास्टिक का डिब्बा ढक्कन वाला जार लेके तो उसमें डाल के फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें, ताकि हमारा जो मसाला है वो अंदर तक जज़ब हो जाए। अब हमारे तकरीबन 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं मसाला लगे को, तो अब मैंने फिश को फ्राई करना है। फ्राई मैंने इस तरीके से करना है कि ज़्यादा हमने डिप नहीं करना, सारा को इसी तरह सेट करके रखना है। इसी तरह मैंने बड़ी कढ़ाई ले ली है, ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया। दस से 15 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट तकरीबन मैंने एक साइड पे लगा रहे हैं और 5-6 मिनट मैंने दूसरी साइड पे। कढ़ाई मैंने नॉन स्टिक की ली हुई है। ये मैंने सारी मछली को बीच में डाल दी है और मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसे 5 मिनट के बाद दोबारा पलटना है। ज़्यादा फिश को आपने हलाना नहीं है और मीडियम लो फ्लेम पे ही हमने रखनी है, और ज़्यादा जले भी ना और ज़्यादा हमारी अंदर तक गले। तो इस दौरान मैं साइड पे चावल बना रही हूँ ब्राउन राइस जो फिश के साथ खाने हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे पास हैं, मैंने स्मॉल साइज़ का एक टमाटो लिया है और इसमें 2 ग्रीन चिली चॉप कर ली हैं, और मेरे पास 2-2 टीस्पून जो है वो मैंने गार्लिक जिंजर पेस्ट है, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और सिमरन पाउडर, गरम मसाला नहीं इसमें डलेगा, और मैंने 1 टेबल स्पून लिया है सिंपल सॉल्ट और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चाइना सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो, और एक बड़े साइज़ की मेरे पास ऑनियन है जो मैंने काटी है चॉप नहीं की। अब हमने प्याज को जलाना है तेल में। ऑयल डाल दी है, ऑयल हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 2 खाना बड़े चम्मच डाल दिए। अब मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया, ऑनियन जो है हमने ब्लैक करने हैं, ब्राउन नहीं करने। ब्लैक करने के बाद 2-3 मिनट लगेंगे, हाई फ्लेम में मैंने ब्लैक करने हैं। दूसरी साइड पे मैंने फिश रख दी है फ्राई होने के लिए, तो जब ये ब्लैक होंगे तो हमने इसे चॉप कर लेना, ग्राइंड कर लेना, इसका पेस्ट बना लेना। ऐसा ऐसा हमने दूसरी साइड से पलटना है। ये देखें, ये फिश हमारी बिल्कुल साबत साबत है। ये हमारी फिश जो है दूसरी साइड से तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसे पलटना है ताकि नीचे से जल ना जाए, दूसरी साइड भी हमारी अच्छी तरह पक जाए। मसाला जो है अंदर तक वो जा चुका है, तो थोड़ा सा मेरे पास बचा है मसाला, वो मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ मसाला है वो मैंने अब ऐड करना है। मसाला फिर ये देखो कितना प्यारा कलर आ गया है दूसरी साइड से। अब मैंने फिर इसके ऊपर मसाला डालना जो मेरे पास बचा है। ये मेरे पास जो बचा हुआ मसाला है वो मैंने फिर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा ना, जो हमारी थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है, बस आपने मसाला लगा के इसे रेस्ट पे रख देना है। जितना आप रेस्ट रखेंगे उतना ही टेस्टी बनेगी। दही और आपने इसका इस्तेमाल करना है अजवाइन का, तो इसका भी टेस्ट जो है माशाल्लाह। अब फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रखना है। इसके लिए मैंने ये कवर कर दिया है, जो ब्लैक हो गए हैं बिल्कुल ब्लैक। अब मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन हल्का सा जो है ऑयल में फ्राई होता है तो इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी, तो फिर हमें इसे ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है ब्लैक ऑनियन का। बिल्कुल ब्लैक हो गए,
थोड़े बहुत हैं वो अब गर्म ऑयल में हो जाएंगे, क्योंकि हमने ब्राउन चावल, डार्क ब्राउन चावल बनाने हैं जो फिश के साथ इस्तेमाल होते हैं। ऑयल से प्याज निकाल के ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक टमाटर और दो हरी मिर्चें और मेरे पास ये चंदन पाउडर और जीरा पाउडर बस ये फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये देखें, ये मैंने प्याज को पानी डाल के जो मैंने जलाया था उसे मैंने लिक्विड फॉर्म में बना लिया। अब मेरे पास ये नमक और अजीनोमोटो जो मैंने था वो डाल दिया। हमारे पास एक कप को ये तकरीबन चावल थे, अब दो कप पानी के डालने थे तो मैंने दो नहीं डाले, मैंने डेढ़ डालने हैं क्योंकि मैं प्रेशर में बना रही हूँ तो प्रेशर में ये है कि पानी कम लगता है। चावल डालने के बाद मैंने इन्हें बंद कर दिया। चावल को एक उबाल आएगा तो मैंने इनका नमक का टेस्ट देखना है। अगर आप बहुत तेज़ नमक खाते हैं तो फिर और ऐड कर लेना, अगर कम खाते हैं तो फिर यही नॉर्मल है। ये हमारे ब्राउन चावल तैयार हैं फिश के साथ खाने के लिए। यहाँ बहुत फेमस है होटलों में फिश के साथ यही दिए जाते हैं ब्लैक चावल। तो दूसरी तरफ मैंने फिश रखी हुई है वो मैं देख रही हूँ। हमारी जब तक हमारे राइस जो है बनती है हमारी फिश रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से मसाला जो है भून चुका है। आपने बड़े तरीके से फिश को उठाना है, उनको फिश टूट भी जाएगी क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में। ये मेरे से हो ही नहीं रही हो गई, बाकी एक रह गई है। अब बस मैंने इसे चावलों के साथ ही डिश ऑफ कर लेना है। तकरीबन हमारी फिश तैयार है। मैं हमारी जो है फिश वो रेडी हो गई है, अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें 5 मिनट में हमारे राइस फ्राई हुए हैं, ब्राउन राइस बनाए हैं और 10 मिनट में ये बनी है। ये 2 kg थी जो इतनी बनी है, 12 पीसेस। तो अब मैंने चावल जो है मैंने वेट पे 3 मिनट रखे थे, वो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि 3 मिनट हमने प्रेशर चलना है। 3 मिनट प्रेशर के बाद हमने फिर फ्लेम ऑफ कर देना और उसके अंदर ही हमने चावल जो है निकालने हैं। अब राइस तैयार है। ये देखें अकेला अकेला चावल है, कोई हलवा नहीं बना। अगर आप पानी की क्वांटिटी बराबर से थोड़ी सी आधी रखेंगे तो फिर चावल नहीं करेगा। ये हमारे टोटल चावल जो है 7 मिनट में रेडी हुए हैं और जो हमारी फिश है वो 10 मिनट में रेडी हुई है। तो ये आपने ट्राई ज़रूर करना है, बहुत फेमस सऊदीया की, अरब कंट्री की तकरीबन सभी बहुत फेमस डिश है ब्राउन चावल और फ्राई फिश। आपने ज़रूर ट्राई करना है, तो ट्राई करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं एक पीस राइस के ऊपर भी रखना चाह रही हूँ, ये बड़ा वाला पीस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ। तो दुआओं में आपने याद रखना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।